उत्तर भारतीय भाइयों को लाठियों से पीटने वाले राज ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीयों के वोट कैसे मांगेगी? यह सवाल उठाया है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को महागठबंधन में लाकर न केवल उत्तर भारतीय भाइयों को धोखा दिया है, बल्कि उनके घावों पर नमक छिड़कने और उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। उत्तर भारतीय भाइयों को लाठियों से पीटने वाले राज ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीयों का वोट कैसे मांगेगी? यह सवाल उठाया है महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने। छठ मैया की पूजा का विरोध करने वाले, हिंदी भाषियों को पीट पीट कर महाराष्ट्र मुंबई से भगाने वाले, मनसे और राज ठाकरे के साथ में भाजपा युति ले बना रही है और उन्हें शायद एनडीए में भी ले रही है। ये हिंदी भाषियों का अपमान है, हिंदी भाषियों के साथ गद्दारी है। और जो उत्तर भारतीय जिन्हें भगाया गया, उनके जख्म पर नमक रगड़ने का काम जो है वो भाजपा कर रही है। हमारा उनसे सवाल है, किस मुंह से आप उत्तर भारतीयों का, हिंदी भाषियों को आप मतदान मांगने वाले हो, और क्या जवाब उत्तर में जाकर उनके माँ बाप को देने वाले हो जिनको मार मार कर पीट पीट कर यहाँ से भगाया गया है। और इससे यह भी पता चलता है कि भाजपा ने अपनी हार महाराष्ट्र में तो मान ली है, क्योंकि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा जिसके पास एक भी विधायक हो न हो, उसके पास अगर 4-5 वोट है तो उसको भी साथ में लेने की जरूरत 400 पार की बात करने वाले को क्यों पड़ रही? इसी में सारी सच्चाई जो है वो खुलकर सामने आ गई है। भाषा धर्म जातियों पर राजनेता खूब राजनीति कर जनता को बहलाते हैं। जनता को तय करना चाहिए कि कौन सी पार्टी और कौन सा नेता क्षेत्र का और जनता का विकास सही से करेगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मुहुड़ के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।